नमस्कार। YouTube चैनल मैथ एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक्सरसाइज 1.1 जो है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। आप देखिएगा, चैप्टर है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर पहला है जिसमें ये प्रश्न है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि निम्नलिखित जो संख्याएं हैं उनको उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। इसमें कुल मिला के 5 भाग हैं, 140, 156, 3825, 5005 और 7429, 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429। हमें इनको एक्सप्रेस करना है इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। अब ये जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मली तो आप जानते ही हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त बातें, कुछ एक्स्ट्रा जो बातें आपको ध्यान रखनी है। डिविजिबिलिटी, भाजकता, कोई नंबर कब 2 से डिवाइड होता है, कब 3 से होता है, कब 5 से होता है, कब 7 से होता है, कब 9 से होता है, कब 11 से, कब 13 से, कब 17 से, कब 19 से, कब 23 से, यानी कि ये जो नंबर मैंने बताया इनसे डिविजिबल कोई भी नंबर कब होता है, रूल क्या है, वो अपन को ध्यान रखने पड़ेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने 5 क्वेश्चन लिए आपकी किताब के, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो जो बीच में रूल्स आएंगे ना मैं आपको समझाता जाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन 140 है, तो आप इसको आराम से 2 से डिवाइड कर सकते हो। देखिए वन स्पेस जो होता है ना, एकाएक अंक, उस पर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वो 2 से डिवाइड होता है। आप तो कहने कह सकते हैं 5 का भाग भी लगा सकते हैं, पर मैं छोटी संख्या से शुरू करता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 35। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जा। इसको हम कह सकते हैं कि जो 140 है वो 2 × 2 × 5 × 7, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो 140 है। अब 2 × 2 को कहते हैं 2² × 5 × 7, सिंपल है क्वेश्चन नंबर। इसका दूसरा, इस पे पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट गया 156, सेम है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा, 1 बचेगा 16 16, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 7 में 6 के 1 बचेगा के 8 18, 2 9 जा। अब 39 तो आप जानते 3 से डिवाइड होता ही है, 3 1 जा 3 3 जा, अब 13 ही बचा तो 13 लिख दो आप, 13 1 जा 13। हम क्या कह सकते हैं जो 156 है 156, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13, इसका मतलब 156 बराबर 2 × 2 है ना, 2² × 3 × 13, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल। अब लेते हैं 3825। अब देखिए पीछे 5 आ रहा है तो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा, कैसे करें, 5 7 जा 35, 5 7 35 38 38 घटाओ 3 बचेंगे, कुछ तो काम मन से करना पड़ेगा आपको। 5 7 35 38 35 के 3 बचे, आगे 2 हो गया 32 32, 5 6 जा 30, 32 में से 30 गया 2 बचेंगे, आगे 5 25 5 5 जा 25, फिर देखो 5 आ रहा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 7 में 5 का भाग लगाओ 5 1 जा 5, 7 में 5 के 2 बचेंगे, आगे 6 26, 5 5 जा 25, 26 में 25 गया तो 1 बचेगा, आगे 5 5 3 जा। अब क्या कर रहे हैं, तो आपको ये जो
तीन से होता है डिविजिबल, इसका रूल आपको पता होना चाहिए। अगर कोई नंबर तीन से डिविजिबल है तो उस नंबर के जितने डिजिट है ना उन सबको जोड़ लो, एड ऑल द डिजिट, वो भी तीन से डिविजिबल होगा। आप देखेंगे अगर मैं इन सभी डिजिट को ऐड करूं, 3 + 5 = 8 + 1 = 9, 3 और 5 = 8 और 1 = 9, और 9 तीन से डिवाइड होता है, 3 × 3 = 9, तो ये नंबर भी तीन से डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लेते हैं लो, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, अब 51 तो तीन से होता ही है, 17 × 3 = होता है, और आगे 17 बच गया जो खुद एक क्या कहना चाहिए अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 × 1 = 17, तो हम कह सकते हैं कि 3825 = 5 × 5 × 3 × 3 × 17, ये ना 5 × 5 = 3 × 3 × 17, इट मीन्स 3825 = अब पहले वो छोटा नंबर लेते हैं 3 × 3, अब जानते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5 = 5 का स्क्वायर हो जाएगा और वो 17, ये हमारा आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, यानी पहले क्वेश्चन का तीसरा भाग किया था, इट इज थर्ड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 5005 5005। देखिए सबसे पहले तो 5 है तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 5 × 5 = 5 × 0 = 0 5 × 0 = 5 × 5। अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, समस्या यहाँ आती है। अब अपन सिंपली कुछ नहीं कह सकते डिवाइड किससे हो रहा है, ये खूब सारे नियम हमारे पास में, देखिए मैंने आप लोगों के लिए रूल का, डिवीजन का, यानी कि डिविजिबिलिटी के जो रूल्स होते हैं ना उसके बारे में आपको काफी अच्छे इसमें समझा रखे हैं। नॉर्मली 7 से चेक कर लेना चाहिए कि 7 से डिवाइड होता है क्या, उसका नियम आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि जो अटपटे होते हैं ना वो नॉर्मली 7 से या 11 से या 13 से 17 से 23 से, वैसे सबसे आसान नियम इसमें 11 का है, 11 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या है देखिएगा। यहाँ 1001 ये 4 डिजिट है, तो आप जो है ना पहला डिजिट ये और तीसरा इनको ऐड करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना, तो पहला और तीसरा, 1 और 0 कितना होता है, 1 ही होता है। अब दूसरा और चौथा 0 और 1 भी 1 ही होता है, यानी कि जो ऑड प्लेस पर जो डिजिट है, विषम स्थानों पर जो अंक हैं, यानी पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर, उनकी जोड़ की 1 आया। फिर जो सम स्थानों पर अंक है, डिजिट एट इवन प्लेसेस 0 और 1, उसकी जोड़ भी 1 ही है। अब उनका डिफरेंस करेंगे तो 1 - 1 तो 0 होता है, और 0 तो आप जानते हैं कि हर नंबर से डिवाइड होता है सिवाय 0 के, तो जो हर एक नंबर से डिवाइड होता है 0, याद रखना 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होता है, ये रूल है इसका। वैसे बताऊं आपको मैं कुछ आपके हिसाब से, देखिए मैंने रूल बनाया है, ये डिफरेंस ऑफ सम्स ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11। जैसे ये देखो एक नंबर लिया मैंने 695904, इसके जो ऑड प्लेसेस हैं वो क्या है, ऑड प्लेसेस जो डिजिट वो क्या है, 4, 9 और 9, 9, 9, 18, 4, 22, और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट है वो 0, 5 और 6, 0, 5, 5 और 6, 11, 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और 11 के अंदर 11 का भाग जाता है, 11 इज डिविजिबल बाय 11, सो द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11, इस तरह से वही काम यहाँ किया मैंने। अब इसको मैं 11 से डिवाइड करूंगा, तो भाई 10 में तो 11 का भाग जाता नहीं है, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो अगला अंक लेंगे 100 को करो डिवाइड 11 से, तो 11 9 जा 100, 11 9 जा 99, 11 9 99,
इलेवन नाइन जा 99 तो 9 आ गया। ये क्वेश्चन कितना बचेगा, 100 में से 99 घटाओ, सब्ट्रैक्ट 99 फ्रॉम 100, 1 बचेगा, आगे 1 है, क्या हो गया 11, 11 बन जा 11। अब 91 जब आ जाता है आप जानते हैं ये 13 से डिविजिबल है। अब देख दी पता पड़ जाएगा 13 से 91, 13 सत्तर 91, ये 7 आ गया। अब 7 आ गया तो 7 से कर दो, 7 बन जा खत्म। इसका और हम कह सकते हैं कि 5005 इज इक्वल टू 511 7 और 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13 एसेंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली लिखा जाता है, एसेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारा आंसर आ गया। अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पांचवा, वो क्या है 7429 अब ये बड़ा अलग प्रकार का है। देखो यहाँ पीछे 0 2 4 6 8 नहीं आ रहे, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं डिजिट को ऐड करूं सबको, वो 3 से डिवाइड हो जाए तो फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन देखते चेक करके, 9 2 11 11 4 15 15 7 22 9 2 11 और 4 15 और 7 22 3 से डिवाइड नहीं होता, सो इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। 5 सवाल ही नहीं, 0 5 नहीं आ रहा, 5 से नहीं होगा। 7 से डिविजिबल का एक फॉर्मूला होता है, वो चेक कर लेते हैं। देखिएगा, मैंने कहा था ना आपको कि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, डिविजिबिलिटी 2 3 5 7 3 और 9 का तो एक ही रूल है, फिर 11 13 17 इस प्रकार से कैसे चेक करते हैं। 7 से कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, एक रूल देखिएगा, 7 से अगर पता करना हो कोई चीज डिविजिबल है या नहीं, तो रूल क्या है कि जो वंस प्लेस पे डिजिट आता है, इकाई अंक पर जो इकाई के स्थान पर अंक आता है उसको 2 से गुणा करो, और जो आता है उसको बाकी जो डिजिट बचे ना उनसे जो नंबर बनता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो अगर 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बताओ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 455, इसका वंस प्लेस पे कितना आ रहा है 5, 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 10, बाकी बचा नंबर ये 45, ये ना इसको छोड़ दो ये 45, इसमें से 10 घटाए तो 35, और 35 को 7 से भाग लगा सकते हो तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। ये देखो जैसे 8855, पहले गुणा करेंगे वंस प्लेस को 2 से, तो 5 गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 10, बाकी जो डिजिट है उससे नंबर क्या बना 885, उसमें से 10 घटाएंगे 875, अभी भी बड़ा है, रिपीट करते हैं, इसको गुणा करेंगे 2 से, लिखा ना वन स्पेस को 2 से गुणा करेंगे 5 2 10, इसको रिमेनिंग डिजिट से बने नंबर से घटाएंगे 87 में से 77, और 77 जो है 7 से डिविजिबल है। ये रूल यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर देखो जरा कैसे लगाएंगे इसको, वन स्पेस पर जो डिजिट है उसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा 18, बाकी बचा ये 742, तो 742 में से घटाएंगे इसको, घटाते हैं 724, हमने 742 सॉरी 742 से घटाया 18 को तो आ गया 724। अब फिर वही काम करेंगे, ये जो 72 है ना इसमें से क्या करेंगे 4 का दुगना 8 घटाएंगे तो 64 बचेगा, और 64 जो होता है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है, जो 7 9 63 होता है, ये 64 है, तो 7 से तो भाई डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर 7 से डिविजिबल नहीं है ये टफ सवाल है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। 9 से डिविजिबल का एक ही फॉर्मूला है सिंपल सा, कि अगर सभी डिजिट आप जोड़ लो
और वो 9 से डिवाइड हो जाए नंबर तो 9 से डिविजिबल है। जोड़ो जरा, 9 दो 11, 11 और 4 15, 15 7 22, और 22 जो होता है 9 से डिवाइड नहीं होता है, 9 3 जाए 27, और ये 22 है, 9 से नहीं होगा। अब बात करते हैं 11 से, 11 से करते हैं, कैसे करें 11 से, देखो आप जरा। मैंने कहा था जो इवन प्लेसेस पे डिजिट है उनको ऐड करो और ऑड प्लेसेस पे उनका डिफरेंस लो, वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 और 4 13, 7 और 2 9, 9 प्लस 4 13, 2 प्लस 7 9, मैं 13 में से 9 घटाऊंगा तो 4 आएगा जो कि 11 से डिवाइड नहीं होता, सो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, 13 से चेक करते हैं, 13 से चेक करते हैं, होता ही नहीं होता है। Let us try. तो 13 से जो होती है डिविजिबिलिटी, उसका रूल मैं आपको सिखा देता हूँ। 13 से जो डिजिट एट वंस प्लेस है ना, डिजिट एट वंस प्लेस इकाई के स्थान पर अंक है, उसको 4 से गुणा करेंगे, रिमेनिंग डिजिट से बना जो नंबर है उसमें ऐड करेंगे, और वो जो रिजल्ट है अगर डिविजिबल है 13 से तो वो नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 1885, वंस प्लेस में क्या आ रहा है 5, 5 को 4 से गुणा करेंगे 4 5 20। अब रिमेनिंग डिजिट क्या बना 188, ऐड किया 208 आ गया, अभी बड़ा ये और बड़ा करते हैं और उसको आगे करते हैं 4 से गुणा करते हैं इसको, 8 4 32, और अब बचा ये 20 इसमें ऐड किया तो 32 प्लस 20 52 13 से डिवाइड है, 13 4 जा, तो ये 13 से डिवाइड, ये रूल है ये। अभी रूल क्या अप्लाई करते हैं, देखिए मिलता है क्या, चेक करते हैं, लेट अस ट्राई। क्या रूल बताया मैंने आपको, डिजिट एट वंस प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 36, बाकी क्या बचा 742, ये रिमेनिंग डिजिट से बड़ा नंबर 742 में ऐड किया, कितना आएगा 6 2 8 3 4 7, और ये साथ अभी भी बड़ा है, हम कैसे चेक करें, फिर वो प्रोसेस अपनाएंगे। अब इसको 4 से गुणा करेंगे 8 को, 8 4 जा 32, जैसे मैंने यहाँ किया था ना 9 को 4 36, ऐसे करेंगे 8 को 4 से 32, अब बचा 77, ये वाला ऐड करेंगे 7 2 9 7 और 3 10, क्या ये 7 से डिवाइड होता है, ये 7 से डिवाइड नहीं होता, दिख रहा है क्यों, 7 एकम 7 3 बचेंगे 39, 7 5 35 नहीं होता है, ये 7 से डिवाइड, सॉरी ये 7 नहीं, ये किसे बात चल रही थी, 13 से चल रही थी, 13 से नहीं होता है, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, और ये 109 है, तो 13 से डिवाइड नहीं होता है। अब क्या है कि अपने पास बचे हैं 3 नंबर, और ये मोस्टली यही सवाल है कि बनते हैं 17 19 और 23, किसी एक से कर लेते हैं, 17 कर लेते हैं, 17 से डिविजिबिलिटी का ये रूल आप चेक करो कि जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको 5 से गुणा करेंगे, वंस प्लेस पे डिजिट को 5 से गुणा करेंगे, जो बाकी डिजिट बचे ना उनसे जो नंबर बनता उसमें से घटाएंगे, और रिजल्ट जो है वो 17 से डिवाइड होना चाहिए, जैसे 816, वंस प्लेस पे डिजिट क्या है 6 को 5 से गुणा करेंगे 6 5 जो 30, उसको 81 में से घटाएंगे 51, और 51 17 से डिवाइड होता है 17 3 जाए 51, तो ये नंबर भी 17 से डिविजिबल है, वो रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, देखें क्या होता है। इस बार क्या बताया मैंने आपको, जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको 5 से गुणा करेंगे, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 9 9 5 जा 45, अब जो रिमेनिंग डिजिट से बना नंबर है 742, इसमें से घटाएंगे 742 में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 697। अब देखिए अभी भी ये बड़ा है काफी, तो 7 है ना, इस 7 को गुणा करेंगे 5 से, इनका रूल इसको वंस प्लेस के जो डिजिट को गुणा करते हैं 5 से, तो 75 जा 35, अब 69 में से घटाएंगे 9 में से 5 गए 4 6 में 3 गए 3, 34,
और 34 बाई 17 से डिवाइड होता है, 17 टू जा 34, इसका मतलब ये 17 से डिवाइड होगा डेफिनेटली। अब डिवाइड कैसे करें, ये तो आपको आता ही है कि दो हमने 17 से डिवाइड कर दिया, तो 17 की टेबल आपको 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 17 फोर जा 68, तो 17 फोर जा हो जाएगा ना 17 चौके 68, और 74 में से 68 घटाएंगे कितने बचेंगे, 74 में से 68 घटाएंगे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, आगे 2 आ गया 62, 17 थी 51, कितने बचेंगे 11, आगे 9 19 और 119, 17 7 119, आप देख लो आराम से हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में कैलकुलेटर, आपको अलाउड नहीं होगा एग्जाम लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए, 7429 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू 437, 437 आ गया। अब और 17 से डिवाइड करेंगे, नहीं अब किसे करेंगे सॉरी, अब 17 से होगा कि नहीं होगा, अब 17 से नहीं होगा, कारण क्या, 17 से डिवीजन का क्या रूल होता है, 5 से गुणा करो इसको, 7 5 35, 35 घटाओ 43 में से, अगर आप 43 में से 35 घटाएंगे 8 आएगा, 8 17 से डिवाइड नहीं होता है, अब 17 से नहीं होगा ये, अब 17 से नहीं होगा तो किससे होगा फिर, 19 से या 23 से, 19 से ट्राई करो। अब 19 से नियम क्या है, व्हाट इज रूल फॉर जो डिविजिबिलिटी बाय 19, तो 19 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि डिजिट एट वंस प्लेस को 2 से गुणा करो, डिजिट एट वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1026, 6 को 2 से गुणा किया 12, रिमेनिंग डिजिट से बना नंबर 102 ऐड किया 114, आगे चलो 4 2 8 11 जोड़े 19, और 19 से डिवाइड होता है, वही यहाँ करना है सेम, क्या करेंगे वंस प्लेस में जो डिजिट है उसको 2 से गुणा करेंगे, तो ये 9 है ना, इसको 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 18, अब रिमेनिंग जो बची है डिजिट 742 उससे नंबर बना, मतलब रिमेनिंग डिजिट से बना नंबर 742 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 760 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 19 से डिवाइड हो रहा है क्यों, 19 4 76 ध्यान है ना, 19 चौके 76, तो 19 से डिवाइड हो रहा है ये 19 से हो रहा है, कैसे निकालेंगे 19 2 38 भाई 19 2 38 कितना बचेगा 43 - 38 5 आगे 7 57 19 3 57 अब बचा 23 तो 23 1 23, इसका मतलब देखो सब रफ वर्क है, अब कह सकते हैं हम इट मींस 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23 इज द आंसर। तो मैं समझता हूँ कि सबको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मैं चूंकि आदर्श विद्या मंदिर में कई साल पढ़ा चुका हूँ तो मुझे आदत पड़ चुकी है अपने आप को राजेंद्र भैया जी से कहें बच्चे, और हम भी बच्चों को भैया बहन बोल के बुलाया करते थे, तो कभी कभी वो बोलूंगा तो आप अचरज मत करना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कोई अच्छा समझ में आ गया होगा, ये हमने जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका जो पहला क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व कर लिया है, अच्छा क्वेश्चन है। हमने केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, हमने डिविजिबिलिटी के रूल समझे, और ये बाद में बहुत काम आएंगे आपके। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।